हेलो फ्रेंड्स, सिलाई ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में सलवार की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग जो है साथ में दिखाऊंगी। तो ये सबसे पहले ये देखिए, ये इसका, ये दोनों का मैचिंग के कपड़े हैं। तो ये जो है सूट का है, ये सलवार का है। तो हम सबसे पहले इसकी सलवार की कटिंग करेंगे कलीदार, तो उसकी जो है बाद में कटिंग जो है दिखाऊंगी। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरीके से कपड़ा को हमने फोल्ड कर लिया है। अभी इसको यहाँ से पहले निकालेंगे बेल्ट। तो ये बेल्ट यहाँ से नापेंगे 9 इंच। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो ये जो है बेल्ट है, बेल्ट की चौड़ाई, ये जो है चौड़ाई है, तो 23 इंची में। अभी इसमें कितना बन रहा है, ये बन रहा है 20 इंची। अब इसको हम यहाँ से कपड़े में जोड़े लगा देंगे। तो आपको जितना बेल्ट बढ़ाना है आप उसी हिसाब से कपड़े के जोड़े लगा सकते हैं। अब इसको यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे पट्टी। तो हमने ये देखे बेल्ट भी निकाल लिया। अब इस तरीके से इस कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है, जो कि ये 2 मीटर का, 2.25 मीटर का है ये जो है कपड़े। अब हमने बेल्ट निकालने के बाद अभी इसको सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे, जो कि इसमें की कली पट्टी जो निकलती है वो हमको निकालना है। तो हमने ये देखे ये कपड़े को फोल्ड भी दिया कर। अब इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये जो कली जो पट्टी होती है हमें इसको निकाल रही हूँ। तो ये सबसे पहले यहाँ से हमको जितना लेना है, तो इसको 6 × 12 इंची, तो हमें इसी तरीके से 6 इंची से यहाँ भी नाप लेंगे, यहाँ से भी नापेंगे 6 इंच। अब इसकी यहाँ से लंबाई जितना लेना है अभी इसी हिसाब से, तो इसको हम जो है 34.5 इंची यहाँ से काट रही हैं। यहाँ से निशान ले लेंगे, जो कि सलवार की लंबाई है 38। तो हम इस तरीके से यहाँ से निशान मारेंगे। अब इसको यहाँ से सीधी हम पट्टी निकालेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए पट्टी इधर से निकल गई है दोनों। अब इसमें हम निकालेंगे कली। तो हमने देखो इसको जो है कि कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब इस कपड़े को ये देखना है कि हमने जो कली पट्टी निकाली थी, तो हमने इसको 34 इंची का निकाला है और इसको हमने भी 34 इंची का रखा है। तो ये जो है कि कली है, इस हिसाब से देख लेना चाहिए कि इसका और इसका लंबान दोनों का बराबर है। ये देखिए इस तरीके से। तब इसको यहाँ से हम अब इसको यहाँ से फोल्ड देंगे कर। तो हमने देखो इसको जो है फोल्ड दिया कर। अब इस तरीके से कली यहाँ से कटेगी। अब यहाँ से हम कैंची लगाएंगे। तो अब देखिए ये दोनों कली जो है कि कट गई है। तो हमने ये देखिए ये दोनों इसको जो है कली को चारों हमने इस तरीके से रख दिया है। अब इसको जो है यहाँ वाला ये जो है कि जॉइंट है। अब एक इसको यहाँ से कटिंग देते हैं। अब देखिए चारों का कली इस तरीके से हो गई है। इसका जॉइंट यहाँ से इस तरीके से होगा। अब इसको इसमें हम चारों को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। ये हो गई कली, ये हो गई पट्टी, कली पट्टी। अब इसको यहाँ से हम जो आसन है इस तरीके से करके यहाँ से इसको यहाँ से नाप करके इसको 7 इंची। अब ये आसन का ये इसमें बेल्ट जाएगी जुड़ इस तरीके से, तो यह आसन आ जाएगा पूरा। एक पट्टी को निकालूंगी इस तरीके से और इसको यहाँ से रख देंगे अच्छा से। अब यहाँ से हमको जॉइंट लगाना इस तरीके से, जॉइंट यहाँ पे इसको यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। अब इस तरीके से पूरे में सिलाई यहाँ से लगा दूंगी। अब इस तरीके से सिलाई जब लग जाएगी तो इस तरीके से पलट के, पलटने के बाद दूसरा भी यहाँ से भाग। तो ये देखिए एक कली ये है जो कि इसी में जॉइंट होना है और दूसरी कली ये है जो कि इसी में जॉइंट होगी। तो इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से सेम जो है जोड़ देना है। तो चलिए अब इसमें हम
जो है कि सिलाई लगाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने इस जो है कलियों को दोनों के सीधा सीधा इसमें जॉइंट कर दी हूँ। तो ये देखिए, ये सीधी है, ये जो है पट्टी पे दोनों का कलियाँ इसमें जॉइंट कर दी हूँ। इसी तरीके से सेम हमने ये दूसरा पल्ला भी जोड़ूंगी। तो हमने ये देखिए दूसरा भी पार्ट इस तरीके से जॉइंट लिया कर रहे। तो ये जो है दोनों पल्ले जो जुड़ के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम जोड़ेंगे आसन। तो ये देखिए आसन, अब दोनों देखिए कि कलियाँ जोड़ने के बाद ये दोनों जो आसन है दोनों साथ साथ पकड़ लें। अब पकड़ने के बाद इसको यहाँ से इसको जो है आधी आधी इंची लगाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें ये दोनों में या आसन में जोड़ ही लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से दोनों में आसन में जोड़ अब इसमें लगा दिया। अब इसमें हम जो है कि लगाएंगे प्लेट कि मशीन पे। चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से इस तरफ से प्लेट इसमें इस तरीके से लगाए जाते हैं, जो कि एक तरफ से इधर को लगाता है, दूसरी तरफ से इस तरीके से प्लेट इसमें भरते हैं। तो चलिए इसको मशीन पे दिखाती हूँ। तो अब हम इस पे मशीन पे जो है कि लगाएंगे प्लेट। प्लेट जो है लगाने के लिए सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इधर से देखिए, ये 2 इंची हमने यहाँ से नाप लिया है, इसका और इसका ये 2 इंची पे है। तो हम यहीं से प्लेट को उठा के इधर से लगाते रहेंगे। तो इसका जो है ये गुटका या जो है इसमें निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से है हमारा तो हम इसको इस तरीके से प्लेट भरते जाएंगे। तो हमने भी ये देखिए, ये सीधा है, ये जो है आसन का जोड़ है। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। तो इधर से उठाएंगे, यहाँ से इधर से उठा के बिल्कुल इसके जो है साइड में ले जा के नीचे इस तरीके से दबा दबा के प्लेट को लगाते रहेंगे। तो हमने देखिए एक तरफ के प्लेट जो है कि लगा लिया है। अब हमें दूसरी तरफ से प्लेट को इस तरफ से रखेंगे। तो अब देखिए, अब हम इस तरीके से प्लेट लगा चुके हैं। अब हम यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से। अब इसको यहाँ से उठाएंगे, जो कि अब इसको हम इस तरफ से प्लेट देंगे, यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से लगा देंगे ऐसे। यहाँ से इसी तरीके से प्लेट को इस तरीके से लगाते रहेंगे दोनों। तो हमने देखिए आगे के प्लेट बिल्कुल जो है कि लगा चुकी हूँ। अब हम लगाएंगे पीछे से, ये जो है प्लेट होता है पीछे की तरफ। तो ये देखिए ये जो है ये पीछे का है। अब इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे इस तरीके से प्लेट, और इसको भी यहाँ से लगाएंगे, इसको भी प्लेट को यहाँ से, बस इसको यहाँ से सिलाई मार दिया जाएगा। तो ये जो है पीछे साइड में होता है इस तरीके से। अब इसमें हम जो है कि लगाएं। तो हमने ये देखिए बेल्ट को जो है ये फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, और इसका हाफ है तो यहाँ हम इसमें निशान जो है लगा देंगे। तो अब इसके अंदर हम, तो ये देखिए बेल्ट को इस तरीके से डाल देंगे अंदर से ऐसे ऊपर से। फिर उसके बाद बीच का सेंटर ले लेंगे, ये जो बीच का सेंटर है, और ये दोनों इसको साथ साथ में पकड़ के इधर से सिलाई लगाना चालू कर देंगे। तो अब हमने देखिए बेल्ट को जोड़ दिया। अब हम इसके ऊपर जो है कि सिलाई यहाँ से इसके ऊपर से लगा देंगे एक सिलाई। तो चलिए इसमें सिलाई भी लगा देते हैं। बेल्ट में सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम यहाँ से, अब इसको ये है मोहड़ी। तो मोहड़ी ये जो है कि फोम, इसमें इसको ऐसे रखेंगे, इसमें सीधी सिलाई इसी तरीके से लगा देंगे। अब इसको यहाँ से हम देंगे, पलट देंगे इस तरीके से। अब इसी के ऊपर सीधी जो है कि सिलाई इसमें लगा देना है। तो अपने हिसाब से डिजाइन भी बना सकते हैं। चलिए इसमें सिलाई हम यहाँ से लगाते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से सीधी लाइन इस तरीके में इसमें डाल देना है। तो हमने देखिए सीधी सिलाई पूरे में लगा दिया। अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे उल्टे की तरफ से। अब इसको यहाँ से नापेंगे। अब आपको जितना आपके हिसाब से लेना है, तो हम इसको 6 इंची ले रही हूँ। अब यहाँ से सीधी सिलाई लगा देना। तो
तो ये देखिए हमने एक मुढ़ी को तैयार लिया है कर इस तरीके से। तो इसी तरीके से सेम हम दूसरी मुढ़ी को भी सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए सलवार बनके बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो हमने ये देखिए दोनों ये पोंचा भी बना दिया है अब, और सीधी सिलाई डाल रखा है। आप अपने हिसाब से डिजाइन भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।